तो फ्रेंड्स हमने हाथ पैर धो लिया, मोर तुम सात पैर हो बेटा, इधर उधर घूम जाओगे। हेलो फ्रेंड, कैसी हो आप सब? तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अमोर? हम आज जा रहे हैं खजराना मंदिर में, जो इंदौर में है। बहुत टाइम हो गया हम गए नहीं थे वहाँ पर। जा रहे हैं, सब तैयार हो गए, अंशिका के पापा भी तैयार हो। तो 6 बज गई है, तो चलिए चलते, तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं खजराना मंदिर के पार्किंग एरिया में। अभी हमें गाड़ी पार्क कर दी है, देखो वहाँ पर LCD भी लगा हुआ है, अंशिका अनमोलियरी। तो चलिए अंदर चलते मंदिर में, दर्शन करते हैं। आज भी बहुत भीड़ है यहाँ पर, पार्किंग से ही पता चल रहा है अंदर कितनी भीड़ होगी। और ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अभी से लाइक कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी गाड़ी लाते हैं ना नए, वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है। तो देखो यहाँ पर ये गाड़ी लेके आए और यहाँ पर हो रही है पूजा, और फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर है दुकानें सारी, तो यहाँ पर है सारी दुकानें जो प्रसादी की है, फूलमाला वगैरह ये सब दुकानें हैं। तो यहाँ पर शूज निकाल देंगे, तो यहाँ से ले लेंगे प्रसाद फूलमाला। कहाँ चल रहे हो अपन? मंदिर के अंदर। चलो मंदिर चलो, सामने मंदिर है थोड़ी। कितनी सारी दुकान है ना, सब में प्रसादी मिलती है, सब में मोदक बहुत सारी दुकानें, कम से कम 56 भोग वाली। तो फ्रेंड्स हमने हाथ पैर धो लिया, मोर तुम सात पैर हो बेटा, इधर उधर घूम जाओगे। इधर आओ, चलो हाथ पैर धो लिए, अब चलते मंदिर में अंदर। ये बाहर से सब कुछ ऐसा दिखता है। ये मंदिर की बाहर का एरिया है, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब जाएंगे, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन में लगना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर ऐसा है, बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। अंशिका के पापा प्रसाद ही दे रहे पंडित जी, वहाँ पर है हमारे। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए, बहुत भीड़ थी लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। अंशिका अनमोल भी यहीं पे चल रही है, हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद जी भी चढ़ा दिए। अभी नारियल 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 आगे जाके चढ़ाएंगे, तो चलिए चलते आगे, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखो बड़ा सा दीपक यहाँ पर भी है, इसमें लाइट लगी है पूरे में। और यहाँ पर है मूसक राज, और ये कलश देख रहे हो, ये कलश भी मंदिर है, आपको दिखाएंगे पूरा कैसा बना हुआ है, जैसे कलश है ना, पूरा कलश वाला मंदिर है। ये है मंदिर का बाहर का, चलो चलते अमोल, चलो। क्या चाहिए अंशु को? खाओ, बहुत अच्छा है, टेस्टी प्रसाद है। प्रसाद खाओगे तो अच्छे से खाओ ना, अच्छा लगा। और दू फ्रेंड, तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, चारों तरफ मंदिर मंदिर है। और ये है खजराना वाले गणेश जी, यहाँ पर है साईं बाबा का मंदिर। चलिए चलते, आरती हो रही है यहाँ पर अभी। यहाँ पर लाइटिंग कैसी है ना, वैसे ही दिख रहे हैं।
अंजिका जय जय कर रही है, अमोल भी जय जय कर रही है, अंजिका घंटी बजाएगी। ये अब अमोल को भी बजाना हो गया। मैंने देखो प्रसाद खाई थी, तो मेरे हाथ में तेल लग गया, तो थोड़े चिकनी चिकनी और हाथ में धोने पड़े, खेलने लगी। तो फ्रेंड्स हमने वहाँ के मंदिर के खजराना वाले गणेश जी के दर्शन कर लिए और साईं बाबा के भी कर लिए, देखते हैं। और बहुत से मंदिर है यहाँ, दूसरे मंदिर चलेंगे। ऐसी कैन मोल मस्ती कर रही है, यहाँ पर लाइट कैसी, जैसी लाइट है वैसे दिख रहा है। और अंजिका को देखो जय जय करते जा रही है। फिर हम पहुंच चुके हैं अब सनी देव के मंदिर में, अंशिका के पापा का। चलो मांकल मंदिर यहाँ मिल गए, चलो दर्शन करते हैं। अंशिका यहाँ पर क्या है, अंशिका हाथ पूरा पूरा के पैर पड़ रही है, पर अमोल तो थक गई है तो बैठ गई है अमोल, है ना। हम लगे लाइन में, चलो तो फ्रेंड्स हमने नंदी जी को बात बोल दी है, अंजी का आपने बोल दी है, सब कुछ बता दिया। और यहाँ पर भी मंदिर है, जय जय करो। गायत्री मंदिर है यहाँ, अमोल जय जय कर रही थी। ओहो बस आ जाओ, अमोल का जा रही है अब। ओ वाह, ये कौन है, नर्मदा मैया। देखो अमोल, अंजू क्या बोल रहे हो तुम, अंजू क्या बोल रहे हो, क्लास लग रही ना उसको, बोतल दो, बोतल लेगी, बैग में निकालो ना आप, लाओ ये मुझे दो, क्लास लग रही, टांग लेना आपको, अंजू को भी देना उसको, प्यास लग रही, चलो चलो आ जाओ इधर। अंजिका को अच्छा लग रहा है, ये क्या अंजू, और अंदर और अच्छा, वेरी गुड। क्या अच्छा लगा अंजिका को, इसको पिकॉक अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट है, क्यूट कर रही। हम चारों ने टीके लगवा लिए, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ अंजिका को भी देखो अच्छी लग रही है, अमोल तुम भी दिखा दो देखो तो फ्रेंड्स को। हाँ अमोल ने भी टीका लगवाया, बोतल रख ले, अंजिका बोतल टांग रही। ओहो चलो, हाँ दिलाएंगे ना, क्या चाहिए अब अंजू को। तो देखो हम आए थे जब तो कम भीड़ थी, अब देखो कितनी भीड़ हो गई है, लो ये मेरे को दे, जय जय करो। देखो कितनी भीड़ हो गई अब, और क्योंकि और ज़्यादा समय हो गया ना, शाम का हम तो 6 बजे आ गए थे, अभी बज गई है 7:21, तो अब तो और ज़्यादा भीड़ हो गई है बहुत। तो यहाँ पर बैठने का भी बना हुआ है साइड से मंदिर में, सब यहाँ बैठे हुए हैं लोग। तो वहाँ पर थे मूसक राजो, हमारी सारी मनोकामनाएं जाके गणेश जी को बताते, तो हमने सारी मनोकामनाएं उनको बता दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फव्वारे चल रहे लाइटिंग के साथ, ये बाहर का अंशिका अनमोल को आ रहा बड़ा मजा, इनको बहुत शौक है देखने का। क्यों अब कितनी भीड़ हो गई, अपन देर से आते तो क्या होता, भीड़ हो जाती रात में, है ना, ज़्यादा भीड़, जितनी लेट आ रहे उतनी भीड़ हो रही है, बढ़ती जाएगी। कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, गमला ही कितना बड़ा है ना, अमोल बराबर का तो गमला ही है।
चलिए अब चलते बाहर, यहाँ पर तो दर्शन कर लिए मंदिर सुंदरता। हाँ जी कनमोल इसके पापा आगे आगे ही जा रहे। और ये था मंदिर बहुत ही सुंदर सा, देखिए वो कितनी भीड़ है अभी भी। और यहाँ पर क्या कर रही है अंजू? अच्छा, और यहाँ तक भीड़ आ गई है यारी, यहाँ से ही लाइन में लग गए हम तो। अच्छा सही टाइम पे आ गए थे ना अपन। अब कहाँ चल रहे हैं? चलो अमोल ये सिर पर रख ले। अमोल हाँ जी, कानमोल खुदक खुदक के जाती है। लक्ष्मी माता के भी मंदिर के दर्शन कर लिए इतने, तो कितनी भीड़ भाड़ हो गई। अब चलते मंदिर के बाहर, दर्शन तो हो गए अच्छे से। अंशी अमोल मेरे साथ है, अंशिका ये रही। अंशिका को बड़ा मजा आ रहा। अमोल आपने अच्छे से किया, ये कान्हू जी का मंदिर है। ये ना हर मंदिर को कान्हू जी का मंदिर ही बोलती है। और ये जा रहे हैं आगे आगे, कहाँ पर जा रहे हैं? और यहाँ पर फिर से दिख गया इनको, लाइट लग गई बेटा। बस ये जहाँ दिखता है ना उनको, वहाँ पर चालू हो जाती है फव्वारे। यहाँ पर भी लगे, लाइट लग गई। यहाँ पर गार्डन है, इधर है दुकान है, ये है मंदिर जो बाहर से ऐसा दिखता है। तो ये दीपक है ना, इसमें सब लाइट ऑन लग गई है ऐसे। मैं बाल हटा रही थी तो मेरा टीका ही मिट गया, नहीं मिटा, दिख रहा है। मैं बाल हटा रही थी सामने आ रही। भैया कैसे दिए? 4 रुपए पाव है, 90 रुपए पाव है। भैया बेसन के मतलब वो 60 रुपए ये वाले 90 रुपए कौन से लेने? कौन से लेना है? कौन से लड्डू खाओगे? मतलब ये खाओगे बेसन वाले खाते हो ना, फिर कौन से खाओगे? वही खाएगी वो, दिखते ऐसे ना बाहर भी खाती है। शूज पहनो अमोल, अब यहाँ पर शूज पहन लेते हैं। तो फ्रेंड दर्शन के लिए प्रसादी भी एक्स्ट्रा भी ले लिए, क्योंकि अमोल अंशिका को लड्डू खाने थे। और अमोल का आप मुंह देख सकते हैं, नई गाड़ी आई, बहुत ही बेकार मुंह बना के घूम रही है वो। हाँ ये किसी ने बाइक ली तो यहाँ लेके आए, पहली बार यहीं पे लेके आते सब। और ये स्कूटी भी किसी ने खरीदी, हाँ उधर भी ये देखो, तो किसी ने 4-व्हीलर ली, उसकी भी यहाँ पर पूजा वूजा करने पहली बार यहाँ लेके आए। बहुत से लोग जो गाड़ी अगर खरीदते ना तो यहीं लेके आते पहली बार तो।